नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का जो मैच खेला जाने वाला है बिग बैश लीग में, उसके स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11, एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूँ। तो सिडनी सिक्सर्स ने अपने लास्ट मैच मेलबोर्न स्टार्स के सामने जीता हुआ था और उन्होंने फर्स्ट विन रजिस्टर किया था ये वाले सीजन में बिग बैश के। और ब्रिस्बेन हीट ने अपने लास्ट दो मैचेस होबार्ट हरिकेन से हार गई है, और लेकिन उससे पहले जो मैच था वो उन्होंने जीत लिया था। अभी हम स्क्वाड की बात कर ले तो दोनों ही टीम ने अपनी ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दी है। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, जो लास्ट मैच में खेली थी वही सेम स्क्वाड है। और प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत दिनों से सिडनी सिक्सर्स ने एक मैच जीता है ये वाले सीज़न में। फिर ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट ने अपने स्क्वाड में एक चेंज किया है। कैमरन गन, जिनको लास्ट मैच में खिलवाया गया था, उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, और जेसन फ्लेरोज इनको स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है। जेसन की बात करूँ तो जेसन एक ऑलराउंडर है दोस्तों, तो अगर टीम चाहेगी तो जेसन को अपने डायरेक्ट प्लेइंग इलेवन में ला सकती है। लेकिन जेसन, मार्नस लबुचेंच और जेस लिलर, ये तीनों में से कोई एक रिप्लेस करेगा कैमरन गैनन को। डैरियल विटोरी, जो उनके कोच है ब्रिस्बेन हीट के, उन्होंने कहा है कि वो पिच देख कर ही अपने 11th मेंबर को चूज़ करेंगे, मतलब जो कैमरन गैनन को रिप्लेस करेगा उसके हिसाब से वो प्लेइंग इलेवन डिसाइड करेंगे। तो चांस है कि जेसन लेलर खेल सकते हैं, क्योंकि कैमरन गैनन भी एक बॉलर थे, तो टीम ज़्यादा बॉलर को सपोर्ट कर रही थी। मुझे लगता है कि जॉस लेलर को कल खिलवाया जा सकता है टीम में। तो अभी हम स्क्वाड देख लेते हैं। ब्रेंडन मैकलम, जोई बंस, बेन कटिंग, ब्रेंडन डॉगेट, जेसन फेरल्स, सैम हेजलेट, मानस लबुचेन, जॉस लेलर, जिमी पर्सियन, एलेक्स रॉस, यशवी शाह, मार्क्स टेकेटिया और मिचेल स्वीपसन। और ये हैं दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की स्क्वाड। तो उसमें जोहान बोथा कैप्टनसी करेंगे, सीन अबॉट, कार्लोस ब्रेटवेट, जोर्डन ली, बेन रॉसिस, मिकी एडवर्स, मॉइसी केनरिक्स, डैनियल हजिस, नेथन लायन, निक मेडिसन, पीटर नेविल, डैनियल सैम्स और जॉर्डन सिल्क। तो सिडनी सिक्सर्स अपने प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंज नहीं करेगी, ऐसे हम अज्यूम कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि लास्ट मैच जीती हुई थी और विनिंग कॉम्बिनेशन कोई भी टीम चेंज नहीं करना चाहेगी। अगर कोई लास्ट मोमेंट पे इंजरी हो जाती है तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वरना चेंजेस पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ब्रिस्बेन हीट में एक चेंज तो कंफर्म होगा ही, वो है कैमरन गैनन का, उनको स्क्वाड से ही बाहर कर देगा। उनकी जगह पर जॉस लेलर, मार्नस लबुचेंच या तो जेसन फ्लोरोस, ये तीनों में से कोई एक खेलेगा। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। टीम वन मैंने स्मॉल लीग के लिए बनाई है और टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। विकेट कीपर हमारे पास जिमी पर्सियन और पीटर नेविल, ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। सैम बेलिंग्स नहीं खेलेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जिमी पर्सियन, क्योंकि ऊपर भी आते हैं बैटिंग करने के लिए, प्लस अच्छे कैचेस और स्टंपिंग भी जिमी पर्सियन अच्छे करते हैं। तो आप चाहे तो पीटर नेविल को भी रख सकते हो, लेकिन मैं जिमी पर्सियन के साथ जाऊँगा। फिर बैटिंग में मैंने ब्रेंडन मैकलम, निक मेडिसन, जोई बर्न्स और डैनियल होजेस को रखा है। आप ऐसे जोई डोनली को रख सकते हैं, लेकिन एक मैच छोड़ दिए, उनका लास्ट मैच परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया था, लेकिन डैनियल हजेस कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप एलेक्स रॉस को रख सकते हो, जेसन रॉय नहीं खेलेंगे, उनको प्लीज़ मत पिक कीजिए। क्रिसलिन को भी स्क्वाड में ऐड नहीं किया गया है, तो क्रिसलिन भी नहीं खेलेंगे, आप उनको भी पिक मत करना। आप ऐसे सैम हेजलेट को रख सकते हो, मार्नस लबुचेंच का थोड़ा चांस बनता है कल खेलने के लिए। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने मॉइसेस हेनरिक्स, बेन कटिंग और ब्रेटवेट को रखा है। आप ऐसे जेसन फेरोज को रख सकते हो, लेकिन ये रिस्क होगा दोस्तों आपके लिए। स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि खेलेंगे। जोहान बोथा को आप अपनी टीम में रख सकते हो। फिर बॉलिंग में मैंने मार्क्स टेकेटी, मिचेल स्वीपसन और नेथन लायन को रखा है। आप ऐसे यासीर शाह को रख सकते हो, बेन रॉसिस को रख सकते हो, ब्रेंडन डॉगेट को रख सकते हो अपनी टीम में, सीन एबर्ट को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। गैनन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, नहीं खेलेंगे। शादाब खान भी नहीं खेलेंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर ले तो स्मॉल लीग की टीम में ब्रेंडन के अपने मैकलम अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों कैप्टनसी के लिए, या आप मॉइसी हेनरिक्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन मैकलम को रख सकते हो, लेकिन मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन मॉइसी हेनरिक्स और ब्रेंडन मैकलम को रखूँगा। अब वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है, यहाँ से फिर से मैंने जेमी पर्सन को रखा है, क्योंकि पीटर नेविल बहुत ही डाउन होते हैं बैटिंग करने के लिए। जोई बंस को मैंने पिक किया और कैप्टन रखा है जोई बंस को। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने जोई डेनली को रखा है। ब्रेंडन मैकलम, निक मेडिसन, जोई बंस, बेन कटिंग, कार्लोस ब्रेटवेट, हेनरिक्स, नेथन लायन, मार्क्स लेकेटी और मिचेल स्वीपसन, ये मैंने तीन बॉलर रखे हैं। आप यहाँ से बेन रॉसिस को भी अपनी टीम में रख सकते हो, यासिर शाह को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। मार्क्स टिकेट हटाकर आप ब्रेंडन डॉगेट को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो।
तो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइज, थैंक यू।